आप देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल, मैं हूँ सरदा। चलिए खबर की ओर। बड़ी खबर, धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया बाजार कमाड़ी पट्टी में एक कचरे गोदाम में लगी आग। मैं आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में ये आग लगी, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मौके वारदात पर बैंकमोड़ थाना की पुलिस पहुंची और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। आग इतनी तेज़ी से लगी है, पूरा सामान जलकर राख हो गया। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, नेशनल टुडे लैब आपको हकीकत दिखा रहा है। दुकान में आग लगते ही स्थानीय लोगों का हुजूम जमा हो गया, देखते देखते काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए। मैं आपको बता दूँ कि जिस गोदाम में आग लगी है उस गोदाम मालिक का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। उस मालिक का क्या बीत रहा है आप जान सकते हैं। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोगों को करीब 12:15 बजे तक खबर मिला है कि आग लगी। जी कहाँ पे आग लगी? यहाँ पर एक प्लास्टिक गोदाम है हमारी पट्टी में, मुगल दरबार के जस्ट सामने जी। हम लोग घर में थे तो खबर आई कि आग लगी, जैसे हम लोग आए तो आग बेकाबू हो चुकी थी जी। उसी दौरान तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड अपनी पूरी कोशिश करते हुए बेहतर से बेहतर टाइम लगा करके आया और आग पर नियंत्रण पा लिया। कितनी संपत्ति जलकर राख हुई अंदाजा तो नहीं लगाया जाता, पर जैसा कि सबसे सुन पा रहे हैं कम से कम 80 से 1 लाख रुपये का माल। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हाँ, कैसे आग लगी ये पता चला? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि 12 बजे रात आप सब जान रहे इस वक्त सब अपने घर में सोए रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ आरिज नवाब।